वर वह मैं मोहम्मद मुजी वश्रफ युजवी नागपुरी की तरफ से बिरादरान इस्लाम के खिदमत में दर्द मंदाना गुजारिश करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि संजीदगी से इस पर सब लोग ध्यान देंगे रमज़ानबारक में लॉकडाउन के दौरान हुकूमत के आदेशों का पालन करते हुए हमने जुमा छोड़ा पंजगान नमाज और तरावी जैसी अहम इबादत अपने घरों में अदा की यूं ही शहरी और इफ्तार का अहतमाम भी पूरी एहतियात के साथ घरों में भी घरों में अंजाम दिए गए मस्जिदें खाली पड़ी रहीं कोरोना की जंग में मुसलमानों का ये बहुत बड़ा योगदान है मगर फिर भी इनको शक और नफरत की निगाह से देखा जा रहा है अल्लाह ताला हमको जजाए खैर और शक करने वालों को समझदारी और अकल सलीम अता फ़रमाए इस्लामी गैरत रखने वाले भाइयों और बहनों आओ सब मिलकर अल्लाह और रसूल के वास्ते ये अहद करें कि जिस तरह मुबारक को सादगी और एहतियात से हमने गुजारा है इसी तरह ईद को भी इंतहाई सादगी के साथ मनाएंगे हुकूमत के सख्त कानूनी आदेशों के मद्देनज़र ईद की खरीदारी के लिए बाजारों की भीड़ भाड़ में न हम खुद शामिल होंगे और न घर की औरतों को जाने देंगे सदना इमाम हसन व सदना इमाम हुसैन रजियल्ल्ह् तुम्हा की सुन्नत अदा करते हुए पुराने कपड़ों में ईद मनाएंगे अल्लाह ताली इन हजरात के सदक़े में हमको जन्नती खुशियों के जोड़े नवा से नवाजेगा ईद की खरीदारी न करके अपने पैसों को बचाएं और कोरोना महामारी के शिकार मोहताजों और भूखों की मदद करके ईद की सच्ची खुशियां हासिल करें इसी में अल्लाह और रसूल की रजा है और यही असल ईद है आखिर में दोबारा गुजारिश है कि नए कपड़े जूते चप्पल वगैरह खरीदने के लिए किस बाजारों में न निकलें वरना आप लोग कानूनी गिरफ्त के शिकार हो जाएंगे अपने देश को कोरोना महामारी से बचाने के लिए ईद की खरीदारी के लिए घरों से न निकलें इस तरह देश में अमन अमान कायम करने में एक अच्छे मददगार आप बने और मुसलमानों को हुकूमत का इस तरह से सहयोग करना जरूरी है मनमा प्रशासन से भी गुजारिश है कि एक ही मोहल्ले के तमाम लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए उठाया जा रहा है जिससे मुबारक के चलते हुए मुसलमानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस सिलसिले में, में मेरा मशवरा यह है कि मोहल्ले वालों के नमूने उनके घरों से हासिल कर लिए जाएं, फिर जिसमें कोई पॉजिटिव निकले उस घर वालों को उठाया जाए ताकि प्रशासन को भी इंतजाम करने में परेशानी न हो आज क्वारंटाइन वालों को जितनी परेशानी हो रही है और प्रशासन को इंतज़ाम करने में भी परेशानी हो रही है इस मशवरे को अगर कबूल कर लिया जाए तो दोनों की परेशानियाँ कम हो जाएंगी ये